हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयाग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जो आज की वीडियो है वो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर बेस्ड है। जितने भी एस्पिरेंट्स बीए बीएससी बीकॉम के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए वीडियो मस्ट होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पर आप लोगों को जो बताया गया है सामान्य ज्ञान से संबंधित जो टॉपिक आप लोग का आता है नागरिक शास्त्र का, उससे संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण बताए गए हैं और आप लोगों को ये क्वेश्चन सीरीज़ वाइज कराए जाएंगे। इसकी 4 या 5 सीरीज़ होंगी, आप लोग को कंप्लीट पर डे कराया जाएगा और सारे क्वेश्चंस मोस्टली हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जितनी भी सीरीज़ हैं जितनी भी नोटिफिकेशन हैं आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का जन्म किस देश में हुआ है। आप लोग के ऑप्शन फ्रेंड्स, ऑप्शन ही हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे उसी हिसाब से, क्योंकि इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है जैसे कि राजनीति विज्ञान का जन्म किस देश में हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनान में। अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स की रचना किस अध्ययन पद्धति के आधार पर की है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुलनात्मक पद्धति, अध्ययन पद्धति के आधार पर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विचारक ने राज्य को प्राकृतिक बताया है। इसका जो राइट आंसर है वो है अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। इसका राइट आंसर होगा संप्रभुता की उक्त जो महत्ता है ये किसने दी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैटियल ने। चलिए देखते हैं अगला। यूनानी विचारक प्लेटो एवं अरस्तु के राज्य में प्रदेश के बारे में क्या विचार थे। इसका जो राइट आंसर होगा राज्य का प्रदेश छोटा होना चाहिए, ये विचार थे विचारक प्लेटो एवं अरस्तु के राज्य के प्रदेश के बारे में। चलिए देखते हैं अगला। राज्य एक अनिवार्य संस्था है। 6 का B, राज्य एक अनिवार्य संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वॉन गिरके ने, ऑप्शन नंबर डी, वॉन गिरके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कानून का स्रोत नहीं है बल्कि स्वयं कानून है, यह कथन किसका है। ये कथन है केल्सन का, ऑप्शन नंबर बी, केल्सन। चलिए देखते हैं अगला। अरस्तु के अनुसार जो आप लोग का राइट आंसर होगा वो होगा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। बढ़ते हैं अगले, अगला देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर के द्वारा निर्मित संस्था है। पहला ऑप्शन इसका राइट होगा, राज्य ईश्वर के द्वारा निर्मित संस्था है। राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के अनुसार जो राज्य है वो ईश्वर के द्वारा एक निर्मित संस्था है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि राज्य से मेरा आशय एक ऐसे समाज से है जो वैध रूप से सर्वोच्च एवं समस्त मनुष्यों और गुटों में दंडात्मक शक्ति के संगठन स्थापित करती है, यह परिभाषा किसने दी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलिमोर ने। अगला देखते हैं। रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यह कथन किसका है। ये कथन आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवादी से संबंधित है, जो कि विचारधारा है कि वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। किसका कथन नहीं है बल्कि किस विचारधारा से संबंधित है, तो ये व्यक्तिवादी विचारधारा से कथन यह संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का पथ प्रदर्शक विचारक कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन समाजवाद के बारे में अधिक सही है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, या राज्य की सहायता से समाजवाद स्थापित करने का प्रयत्न है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला। उदारवादी सिद्धांत के जनक कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉक।
देखते हैं 17, कल्याणकारी राज्य की धारा का पथ प्रदर्शक विचारक कौन है? इसका जो ऑप्शन है वो है डी लास्ट की, कल्याणकारी राज्य की जो धारा है उसका पथ प्रदर्शक विचारक हैं वो हैं लॉस्की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कि पूंजी वर्ग का आर्थिक दर्शन है नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 19वां, बहुलवाद, सॉरी इसको जरा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं पूरा आ जाए। बहुलवादियों का विश्वास है कि, इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभुता में विभिन्न सामाजिक धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक समुदाय सहभागी होते हैं। तो बहुलवादियों का यही विश्वास रहा है कि जो संप्रभुता में विभिन्न सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उतने ही समुदाय भाग लेते हैं मात्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि वैधानिक संप्रभुता सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है हॉब्स, ऑप्शन नंबर ए हॉब्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, संप्रभुता के संबंध में उपरोक्त कथन है, ऑप्शन नंबर बी विलोबी का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विलोबी। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैध संप्रभु को झुकना पड़ता है किसके सामने? तो राजनीतिक संप्रभु के समक्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, राजनीतिक संप्रभु के समक्ष में। नेक्स्ट है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सामान्य इच्छा में। चलिए देखते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टिन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता को स्थापित करना, परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता की स्थापना ऑस्टिन का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 25वां क्वेश्चन कि बहुलवादी विश्वास करते हैं, तो जो बहुलवादी होते हैं वो विश्वास किस में करते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, राज्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य सामाजिक आर्थिक और धार्मिक समुदाय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कि संप्रभुता की कल्पना को त्याग देना राजनीति के लिए स्थायी रूप से हितकर होगा या किस विद्वान का कथन है? ये राइट आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए लॉस्की का कथन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? निश्चित व्यक्ति अथवा समूह में, ऑप्शन नंबर बी निश्चित व्यक्ति तथा समूह में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले राजनीतिक दायित्व का आदर्शवादी विचारक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन। आप लोगों को जल्दी क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दें, क्योंकि प्रिपरेशन में काफ़ी कम समय बचा है आप लोगों के, जितना ज़्यादा कवर कर सके उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन 29वां कि कानून तथा स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं या किसका विचार है? ये विचार है ऑप्शन नंबर ए डायसी का विचार है कि स्वतंत्रता और जो कानून है परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो 30वां क्वेश्चन है आप लोगों का वो सेम क्वेश्चन है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, वही है, इसमें भी डायसी होगा, सेम क्वेश्चन है बस घुमा के पूछ लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि यह दृष्टिकोण किनका है कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता है या केवल किसी व्यवहार को वैधानिक महत्व देता है जिसकी सामाजिक उपयोगिता से उत्पत्ति होती है? इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी डुगवी क्रैप तथा रोस्को पॉन्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कानून संप्रभु के आदेश हैं या किसने कहा है? इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ऑस्टिन ने कहा है। अगला देखते हैं। अगला है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है या किसने कहा है? इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लॉक, ये लॉक ने कहा है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता व सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्ति को आघात ना पहुँचे या विचार किसके द्वारा व्यक्त किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1789 के फ्रांस के मानवीय अधिकारों की घोषणा के पत्र द्वारा ये व्यक्त किए गए थे यह विचार। अगला देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का फ्रेंड्स, कि
मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है परंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ होता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में यह विचार किसका है? इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो का। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले सीरीज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।